प्यारे साथियों, आज मैं क्लास 12 में चैप्टर 5 अब क्लास में एक्सरसाइज 5.6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स इक्वल टू 2at² और वाई को दे रखा है ए टी की पावर 4। यहाँ हमको निकालना है dy अपॉन dx, क्लियर। हमें दे रखा है एक्स इक्वल टू 2at², तो यहाँ करेंगे हम एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर। जिसका अवकलन करते हैं वो आता है ऊपर और जिसके सापेक्ष करते हैं वो आता है नीचे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, क्लियर, इक्वल टू डी अपॉन dt 2at², क्लियर। यहाँ पर 2a हमारा कांस्टेंट है, इसको आगे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2a इंटू डी अपॉन dt² क्लियर, इक्वल टू 2a इंटू यहाँ पर आएंगे फॉर्मूला हम x की पावर n वाला, तो ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4at, तो ये मान आ गया हमारा dx अपॉन dt का। इसी प्रकार हम करेंगे y का अवकलन, तो y इक्वल टू a e की पावर 4, यहाँ लिखेंगे y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पर हमारा a कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a इंटू डी अपॉन dt e की पावर 4 इक्वल टू a इंटू यहाँ पर लगा फॉर्मूला x की पावर n वाला, ये हो जाएगा n मतलब 4 इंटू टी की पावर n माइनस 1 मतलब 3, तो ये हो गया 4a³, तो ये हो गया हमारा dy अपॉन dt। हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ ऊपर आ रहा है dy, तो पहले लेंगे हम dy अपॉन dt को, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन नीचे आ रहा है dx, तो नीचे लिखेंगे यहाँ dx अपॉन dt, क्लियर, इक्वल टू dy अपॉन dt का मान ये आ गया 4at³ अपॉन dx अपॉन dt का मान ये आया 4at, क्लियर। 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा और t से ये पावर 3 कैंसिल होके पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा t², क्लियर। इस प्रकार हमारा dy अपॉन dx का मान आ गया t² और ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू है b cos थीटा। यहाँ पर हम करेंगे x का अवकलन थीटा के सापेक्ष, लिखेंगे x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू ए हमारा कॉन्स्टेंट है, आगे लिख लेंगे a इंटू डी अपॉन dt इंटू cos थीटा, क्लियर, इक्वल टू a cos थीटा अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन आगे लगा लेंगे और साइन थीटा लिख लेंगे, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा और ये आ गया हमारा dx अपॉन dt का मान। इसी प्रकार हम y का करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पर b कॉन्स्टेंट है हमारा, इसको आगे लिख लेंगे इंटू डी अपॉन dt cos थीटा, क्लियर, इक्वल टू b cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन आगे ले लेंगे इंटू साइन थीटा, क्लियर। तो ये मान आ गया हमारा dy अपॉन dt का, हमें मान निकालना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, क्लियर, इक्वल टू dy अपॉन dt का मान आ गया ये माइनस बी इंटू साइन थीटा अपॉन
डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान ए आया माइनस ए इंटू साइन थीटा, क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा डी अपॉन ए। इस प्रकार डी अपॉन ए ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्स इक्वल टू साइन टी और वाई इक्वल टू कॉस टू टी। यहां लिखेंगे एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी इक्वल टू साइन टी का होता है फॉर्मूला अवकलन में कॉस टी, तो ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। अब करना है हमें वाई का, तो यहां लिखेंगे वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, क्लियर। हम यहां अवकलन टी के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां टी है, यदि यहां थीटा होता तो हम लिखते थीटा के सापेक्ष, क्लियर। टी होता तो लिखते टी के सापेक्ष, तो जो यहां होगा उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी कॉस टू टी, क्लियर। यहां है कॉस टू टी, हमारा फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी टी कॉस टी इक्वल टू माइनस साइन टी, लेकिन यहां टी के स्थान पर टू टी आ रहा है, तो टू टी को हम खाली टी मान लें, कि माना यहां टू टी नहीं है खाली टी है, ये हो जाएगा कॉस टी, तो कॉस टी का हो गया यहां से माइनस साइन टी, ये हो गया माइनस साइन टी, लेकिन यहां टी नहीं है यहां टू टी है, तो हमें टी लिखिए लिखना पड़ेगा टू टी, क्लियर। और टू टी का करेंगे दोबारा अवकलन, लिख देंगे डी अपॉन डी टी इंटू टू टी, क्लियर, इक्वल टू माइनस साइन टू टी इंटू टू, ये टी का हो जाएगा वन मल्टीप्लाई वन, क्लियर। ये हो गया टू इंटू वन टू हो जाएगा, टू को आगे लिख लेंगे माइनस टू साइन टू टी, तो माइनस टू साइन टू टी ये आ गया मान डी वाई अपॉन डी टी का। हमें निकालना है मान डी वाई अपॉन डी एक्स का, लिखेंगे इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी का मान ये आ गया माइनस का टू साइन टू टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये है कॉस टी, क्लियर, इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है एक साइन टू ए का, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर। यहां पर टी है तो हम यहां भी टी लिख देंगे, यहां भी टी लिख देंगे और यहां भी टी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का टू साइन टू टी का स्थान पर लिख देंगे हम मल्टीप्लाई टू साइन टी इंटू कॉस टी, क्लियर। ये टू तो हमारा पहले से है ही है और ये टू आया हमारा ये फॉर्मूले वाला, क्लियर, अपॉन कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस टू इंटू टू फोर हो गया फोर साइन टी, क्लियर। इस प्रकार माइनस फोर साइन टी ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान और ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्स इक्वल टू फोर टी और वाई इक्वल टू फोर अपॉन टी। यहां पर एक्स का करना है अवकलन टी के सापेक्ष, लिखेंगे एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू फोर हमारा कॉन्स्टेंट है आगे लिख लेंगे इंटू डी अपॉन डी टी टी इक्वल टू फोर, यहां टी का हो जाएगा वन, ये हो गया हमारा मान फोर, क्लियर। अब करेंगे y का, लिखेंगे y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, हम इसको लिख लेंगे यहां फोर इंटू वन अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं, तो फोर तो हमारा कॉन्स्टेंट है आगे लिख लिया इंटू डी अपॉन डी टी वन अपॉन टी, क्लियर।
इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी का अवकलन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया डीवाई अपॉन डी टी का मान, हमें निकालना है डीवाई अपॉन डी एक्स, लिखेंगे इसीलिए डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डीवाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर, इक्वल टू डीवाई अपॉन डी टी का मान ये आ गया माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये 4। क्लियर, अब यहां पर हमारी एक बिंदु ये बन रही है जिसमें अंश और हर दोनों है, लेकिन यहां पर हर नहीं है, हम इसका हर एक मान लेंगे तो एक पहुंचेगा हमारा माइनस 4 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये 4 आएगा इस टी स्क्वायर में, तो ये हो गया टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर, तो ये माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। क्लियर, और यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और वाई इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर, यहाँ पर लिखेंगे एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, दैट इज में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर, यहाँ पर लगाएंगे पी माइनस क्यू वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा कॉस 2 थीटा। क्लियर, इक्वल टू कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस यहाँ पर है कॉस 2 थीटा, 2 थीटा को मान लेंगे हम थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस से जो इसमें आया उससे ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया साइन, ये हमारा थीटा हमने माना लेकिन लिखेंगे यहाँ 2 थीटा ही। क्लियर, और 2 थीटा का करेंगे द्वारा अवकलन, ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा 2 थीटा। क्लियर, इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू ये टू हमारा कॉन्स्टेंट है आगे आ जाएगा और थीटा का हो जाएगा अवकलन 1, इसका हो गया 2। क्लियर, इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 को ले लेंगे आगे हो गया 2 साइन 2 थीटा। क्लियर, तो ये मान आ गया हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा का, और निकालेंगे वाई का, तो लिखेंगे वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, डेबिट में लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर, इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। क्लियर, इक्वल टू साइन थीटा का होता फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस यहां पर ये 2 थीटा है इसको मान लेंगे खाली थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा मतलब कॉस थीटा कॉस थीटा, बोलेंगे थीटा लेकिन लिखेंगे यहाँ 2 थीटा ही। क्लियर, हमने इसको थीटा माना, इसको द्वारा करेंगे डी अपॉन डी थीटा इंटू 2 थीटा। क्लियर, इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा 2 थीटा, इसका हो जाएगा 2 तुम्हारा कॉन्स्टेंट है इसको आगे लिख लेंगे और थीटा का हो जाएगा अवकलन 1, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1। क्लियर, इक्वल टू कॉस थीटा माइनस ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 को लिख लेंगे हम आगे, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा। क्लियर, ये मान आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा का, हमें मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो लिखेंगे इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्लियर,
इक्वल टू डी वाई अकाउंट थीटा का मान ए आ गया, इसको यहां लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन डी एक्स वन थीटा का मान ये आ गया, इसको हम यहां लिख देंगे, ये है माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, क्लियर, इक्वल टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन ये साइन थीटा माइनस का है उसको लिखते हैं हम बाद में, और ये प्लस का है इसको लिखते हैं पहले, ये हो जाएगा टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और वाई है हमारा ए ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा, यहां लिखेंगे एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ये हमारा कॉन्स्टेंट है इसको तो हमने आगे लिख लिया इंटू डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर, इक्वल टू ए यहां लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट और ये है पी माइनस क्यू की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा का करें थीटा के साथ अवकलन तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, क्लियर, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान। इसी प्रकार निकालेंगे हम वाई का, लिखेंगे वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू यहां पर ए कॉन्स्टेंट है इसको आगे लिख लेंगे ए इंटू डी अपॉन डी थीटा और लिखेंगे फैक्टर के अंदर ये वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए और बराबर कित लेंगे ये पी प्लस क्यू की फॉर्म में अलग अलग कर लेंगे ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा वन प्लस डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, क्लियर, इक्वल टू ए ब्रैकेट लेंगे वन का हो जाएगा जीरो क्योंकि वन कॉन्स्टेंट है और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्लियर, इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे ए इंटू जीरो जीरो हो गया और ए इंटू माइनस साइन थीटा तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, क्लियर, तो ये मान आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा का, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, लिखेंगे इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्लियर, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ये हो गया माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान ये हो गया ए ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, क्लियर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इससे आगे करने के लिए साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, क्लियर, यहां ये वन आ रहा है तो कॉस का मान हमें वो लगाना है जिससे ये वन हमारा कैंसिल हो जाए, क्लियर, तो कौन सा लगाएंगे कॉस थीटा इक्वल टू ब्रैकेट लेंगे और कॉस थीटा का मान हम ये लगा देंगे तो ये है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्लियर, इक्वल टू माइनस का टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस या ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो वन माइनस का हो गया ये और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्लियर, इक्वल टू माइनस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन यहां पर वन से वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वन प्लस का है और वन माइनस का है, क्लियर, क्या बचा हमारा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अब यहां पर टू से टू कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी ये
इक्वल टू यहां बचा हमारा माइनस कॉस थीटा बाई टू, लिखेंगे माइनस कॉस थीटा बाई टू अपॉन नीचे बचा साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू इक्वल टू माइनस वन भेजा गया। फॉर्मूला होता हमारा कॉट में कॉट इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहां पर एंगल है हाफ थीटा बाई टू, तो इसके लिए बन जाएगा फॉर्मूला कॉट थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू। इस तरह से डीवाई अपॉन डी एक्स का मान डीवाई अपॉन डी एक्स का मान हो गया हमारा माइनस का कॉट थीटा बाई टू, क्लियर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।